नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और मेरे साथ मौजूद है मेरे दो सहयोगी आमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं और कार्तिक हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे चार विधानसभा राज्यों में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है कांग्रेस को, लेकर तेलंगाना में कांग्रेस बाजी मार ले गई है। चूंकि ये कहा जा रहा है कि वहां पर विकल्प नहीं था, इसलिए लोगों ने बीआरएस जो पार्टी है उसको एग्जिट कर दिया और एंट्री वहां पर कांग्रेस ने ले ली है। बंपर जीत वहां पर कांग्रेस को मिली है, बीजेपी को भी अच्छी खासी सीटें, अगर 7-8 सीटें भी हैं तो उसे बुरा प्रदर्शन या फिर खराब प्रदर्शन नहीं किया कहा जाएगा। लेकिन आमीन जी, सबसे बड़ी खबर ये है कि ओवैसी साहब जो बहुत ज्यादा मजबूत खुद को समझते हैं वो भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 9 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा जिनमें से 5 सीटों पर हार और 4 सीटों पर जीत, इसे लेकर आप क्या कहें? मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ओवैसी साहब मुसलमानों की इकट्ठा कर रहे थे, जहां अपने घर में उनके ही मुसलमानों ने उनको दरकिनार कर दिया, ये सीधी सी बात है। क्योंकि वो अगर बिहार चुनाव लड़ने जाते हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का रोना रोते हैं, लेकिन जैसे ही अपने घर में जाते हैं तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया भूल जाते हैं, संविधान भूल जाते हैं। कि नहीं तो दूसरी जगह जब किसी भी पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं तो वो ये हमेशा से कहते हैं कि क्यों आप मुझे बीजेपी की बी टीम कहते हैं, क्यों मुझे आप ऐसा कहते हैं, क्या मेरा लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? लेकिन जैसे ही अपने घर में जाते हैं ऐसे ऐसे ब्लंडर मिस्टेक करते हैं कि जो है उन सवालों का वो जवाब नहीं दे पाते। 9 सीटों पे इस बार इतनी आलोचना हुई कि जिसकी वजह से वो जो है किसी भी तरह से लाज बचाने के लिए 9 सीटों पे लड़े थे। 4 तो ओल्ड हैदराबाद में वो जीत गए, लेकिन 5 जगहों पे वो बुरी तरह से हार गए। इससे ये अंदाजा लगता है कि उन्हीं के भाईजान अपने ही भाईजान को लात मार के जो है उन्होंने निकाल दिया। मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ से MIM ने चुनाव लड़ा था वो है चार मीनार, बहादुरपुरा, मलकपेट, चंद्रयान गुट्टा, नागपल्ली, याकुलपुरा, कारवां, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स। जुबली हिल्स वो इलाका है जो सबसे मतलब कि तेलंगाना के सबसे बड़े मतलब कि VVIP इलाके में, जहाँ पे सारे फिल्म हीरो हीरोइन क्रिटिक्स रहते हैं, वहाँ से क्रिकेटर अजहरुद्दीन जो है काफ़ी लीड आगे कर रहे थे। जैसे मैं कहता हूँ या ये माना भी जाता है या आप दोनों सहमत भी होंगे कि जो है अगर 10,000 या 15,000 की लीडिंग अगर आपको हो गई है तो उसको कवर करने के लिए अपोनेंट के पास कोई वो नहीं होता। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो है काफ़ी बुरी स्थिति है और मुसलमानों ने जो है वैसी को उनकी औकात या उनकी जगह बता दी। कार्तिक, देखिए हमने हमेशा देखा कि मंच से मुस्लिम वोट को अपनी तरफ करने के लिए ओवैसी साहब जो जाते हैं राजस्थान, हाँ, जाते हैं दिल्ली, सब जगह मुसलमान सीटों पे ही लड़ते हैं और अपने वो अपनी तरफ उस वोट को करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जैसा कि आमीन जी ने कहा कि आप अगर अपने घर में ही बुरा खेले तो आप बाहर क्या ही आपका प्रदर्शन रहेगा, ये सबसे खराब प्रदर्शन है उनका। देखिए ओवैसी का जो हाल इस चुनाव में हुआ है, जैसे अमीन सर ने बताया 9 सीटों पर लड़े, 4 पर जीत हासिल की घर में और 5 हार गए, उसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की, आज कहाँ है? एक बार जो है हर राज्य में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति ने जोर पकड़ा कांग्रेस खत्म होती चली गई राज्यों से भी और केंद्र में 10 साल से नहीं है। उसके बाद आइए आप समाजवादी पार्टी को देखिए, टोटल मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं, कहाँ है? दूसरा प्लान है, दूसरा टर्म है योगी को मुख्यमंत्री बने हुए, सत्ता से दूर है। मायावती को ले लीजिए, मायावती ने मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति शुरू की, आज खत्म है। केजरीवाल है, वो भी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, अभी आने वाले चुनाव में पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। तो अब एक आंकड़ा भी बता देता हूँ आपको, तेलंगाना में 13% मुसलमान, जिसमें से जो है KCR के भी वोटर हैं, कांग्रेस के भी वोटर हैं और ओवैसी के भी वोटर हैं। तो 13% मुस्लिमों को लेकर आप तेलंगाना में सरकार नहीं बना सकते, या फिर आप जिन 9 सीटों पर भले ही वहां 40% मुसलमान है या 50% भी मुसलमान है, तो उन मुसलमानों में भी कांग्रेस का भी वोटर आपको समझना पड़ेगा और KCR का भी जो वोटर है वो भी समझना पड़ेगा। तो आप तुष्टिकरण की राजनीति कितनी भी कर लें, कितना भी उनके मुझे लगता है कि जिस हिसाब से KCR कह लें, उनकी पार्टी BRS और MIM जो कोलैबोरेशन करके चल रहे थे जी, और सारे जो है KCR की कोलैबोरेशन, तो सर KCR का और मोदी का मतलब बीजेपी का होने की खबरें सामने आई थी।
वो तो दूसरी चीज है, ये तो आए थे दिल्ली, मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि केसीआर और जिस तरह से और वैसी का जो कॉम्बिनेशन था, जो मुस्लिमों के नेता बन रहे थे और पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जितना हलवा पूरी था, जितनी भी जो योजनाएं थी, ये अपने ऊपर डकार ले जा रहे थे या अपने ऊपर ये नाम ले रहे थे कि मुसलमानों के लिए मैं कर रहा हूँ ये किया, वही वही आ रहा था मीन सर में, वो उत्तर प्रदेश में जब आते हैं चुनावी रैलियां करते हैं तो मुसलमान बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को डराते हैं, गुजरात में जब जाते हैं, बिहार में जब जाते हैं, तभी वो यही काम करते हैं कि बीजेपी से हिंदुओं से हिंदुत्व हो जाएगा, ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, इस तरह की राजनीति करते हैं। लेकिन सवाल ये है, जब ओवैसी अगर अपने घर की सीटें नहीं बचा पा रहे हैं तो बाकी राज्यों में बाकी देश में क्या संदेश जाएगा? लोग जब वो कहीं और चुनाव लड़ने जाएंगे, अगला चुनाव हरियाणा में है, तो अगर हरियाणा में वो चुनाव लड़ने जाएंगे तो क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप अपने गृह राज्य में तेलंगाना में 9 सीटों पर चुनाव लड़े और 5 सीटें आप हार गए, सिर्फ 4 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा? तो जो है ओवैसी को मुझे नहीं लगता कि तेलंगाना के लोग, हैदराबाद के लोग इतनी कोई खास तवज्जो दे रहे हैं जितनी उन्हें बाहर से ज्यादा मिल रही है। अमीन सर मुझे ऐसा लग रहा है जैसा बिहार में 5 सीटें जीती हैं तो बाहर से तवज्जो ज्यादा मिल रही है। लेकिन एक यहाँ लिटरेसी रेट का भी बात होगा, अब आजकल का जो युवा है, आजकल की जो जनता है, वो पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा है और वो पहले नेताओं के बयानों को सोचती है, समझती है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। और ये उसी डिसीजन का जो है डिसीजन है, उस डिसीजन का ये फैसला है कि सिर्फ 4 सीटों पर जीत पाए। हाँ, ये बिल्कुल फैसले का फैसला ही से कहा जाएगा। जनता ने अपना मूड बना लिया था कि देखिए इस बार हम ना हमें भ्रष्टाचार की सरकार चाहिए और हमें ऐसी सरकार चाहिए जो परिवारवाद से उठकर काम करे। और ओवैसी साहब की जहां तक बात है तो मंच से हिंदू मुस्लिम करना, हमेशा ये बताना कि अल्पसंख्या खतरे में है और ये वक्त है कि मुसलमान भाई इकट्ठा हो जाए, और ये एक तरीके से प्रवोक करने की भी कोशिश। मैंने आज तक ओवैसी का एक बयान ऐसा नहीं सुना जो सर्व समाज के लिए बयान देते हो, या वो कोई बयान मुस्लिमों को टारगेट करके ना देते हो और हिंदुओं का डर ना दिखाते हो। और मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि ऐसे ही बयान उन्हें ले डूबे सोचने की, समझने की और फिर बोलने की बेहद ज्यादा जरूरत है ओबीसी साहब को, क्योंकि अगर आप अपने घर में अपनी सीटी नहीं बचा पा रहे हैं तो आप सवाल पूछेंगे कि आप अपने अपने घर में क्या किया जो हम आपको बाहर। बिल्कुल, और जिस तरीके की अभी ओवैसी की हालत हुई है उससे तो सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है कि आपको सोच विचार कर बोलने की बहुत जरूरत है, और आप इतने अति आत्मविश्वास में ना रहिए कि आप हैदराबाद में हैं, आप तेलंगाना में हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप सीटें जीत जाएंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।